I'm Dr. Kalpana Kotecha, founder and director of Amazo Health. Amazo Health comes up with advanced homeopathic formulations for all your acute and chronic illnesses. आज हम बात करेंगे फियर के बारे में, डर के बारे में. फियर एक ऐसी इमोशन है जो बोलना तो बहुत आसान है पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है. आज हम बात करेंगे सारे ही एडवांस होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि फियर के लिए या एंजाइटी के लिए यूज करते हैं. फियर जो है वो अपने अंदर ऑटोमेटिकली एक एंजाइटी भी क्रिएट करता है. फियर इमोशन को कंट्रोल करने के लिए या उसको हमको तीन चीज को अपोज करना होगा, तीन चीज हमें सीखनी होगी. अपने आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, एक ट्रस्ट डेवलप करना होगा अपने ऊपर कि ये मेरा डर है और इस डर में इसको मैं जीत सकता हूँ. दूसरा है करेज. हमें हिम्मत रखनी है कि ये फियर को हम फेस कर पाए, हमें ये डर को हम आसानी से हम लड़ पाएंगे, क्योंकि कोई भी डर एक इंसान से बड़ा नहीं होता है. यदि हम ये नहीं कर पाते हैं, ठान लेते हैं पर कर नहीं सकते हैं, तो इसमें होम्योपैथी का आपकी मदद कर सकता है. होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप फियर के लिए ले सकते हैं. तीसरा है कामनेस. हमें अपने आप को पेशेंस रखना है हमारे अंदर. कभी कभी कोई फियर है ना ट्रू होता है, जो फियर गलत होता है उसको हमें फेस करना है कि ये फियर गलत है. पर जो सही में फियर होता है, एक्चुअल फियर होता है, उसमें हमें धैर्य रखना है, उसमें हमें काम रहना है ताकि वो फेस धीरे से आसानी से निकल के सरक जाए और हम फिर उसमें से बाहर आ जाए. फियर जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ स्पाइडर्स. इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग फियर्स रहते हैं और हर एक प्रकार के फियर के लिए हमारे पास अलग अलग होम्योपैथिक रेमेडी होती है जो कि आपको इससे ऊपर उठने के लिए हेल्पफुल रहता है. तो हम बात करेंगे बहुत सारी ऐसी चीफ रेमेडीज जो है उसके लिए बात करेंगे. सबसे पहले आती है एकोनाइट. एकोनाइट जो है एकोनिटम, ये होम्योपैथिक रेमेडी आपके अक्यूट और पास्ट में हुए फियर के लिए भी बहुत ही यूजफुल रहती है. एकोनाइट एक स्ट्रॉन्ग फियर के लिए भी अच्छी है और फियर ऑफ डेथ के लिए भी अच्छी रेमेडी है. दूसरी है अर्जेंटिनम नाइट्रिकम. अर्जेंटिनम नाइट्रिकम, आर्सेनिक, एल्बम, ये सारी हमारी फियर के साथ में एसोसिएटेड एंजाइटी के लिए होती है. अर्जेंटिनम नाइट्रिकम आपके अक्यूट फियर के लिए होती है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ एग्जामिनेशन. आर्सेनिकम एल्बम जितनी हाई पोटेंसी में जाएंगे उतने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. तो कोरोना वायरस की एंजाइटी या उसकी जो फियर है उसके लिए आर्सेनिकम एल्बम, आयुष ने भी बताया था कि इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट. तीसरी आती है कैल्केरिया काप. कैल्केरिया काप है ना, जो हमें डर लग रहा है पर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ मैं डरता हूँ. तो अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम उसको फेस कैसे करेंगे या उससे हम कैसे बाहर निकलेंगे. तो ये प्रकार की जो फियर होती है जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए कैल्केरिया काप एक बहुत अच्छी रेमेडी है. नेक्स्ट काली फॉस्फोरिकम. काली फॉस्फोरिकम भी एक नर्व रेमेडी है, एक बायोकेमिक टिश्यू रेमेडी है. तो ये जैसे हमको फियर के साथ में एसोसिएटेड नर्वसनेस होती है या हमारी नर्वसनेस के स्वभाव की वजह से हमें जो फियर बैठ जाता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी टिश्यू रेमेडी है. तो बहुत ही सेफ होती है, ये हम बहुत लंबे समय तक भी ले सकते हैं. नेक्स्ट है लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम जो हमारे फाइनेंशियल फियर रहते हैं कि हमें बैंक्रप्ट हो गए या डेब्ट्स है या फाइनेंशियली हम लो हो गए हैं, उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो हुआ है या फियर की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो हुआ है, ये सारी चीज़ों में लाइकोपोडियम हमें बहुत अच्छा मॉरल सपोर्ट देती है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है. नेक्स्ट है पल्सिटेला. पल्सिटेला इज अ वेरी वांटिंग अटेंशन रेमेडी. मतलब कि आपको डर लग रहा है एंड यू ऑल्सो सीकिंग अटेंशन, तुम्हें तुम्हारी तरफ लोगों को ध्यान खींचना चाहिए या आपकी तरफ आप लोगों को है ना, मतलब पूरा अटेंशन आपकी तरफ ही जाना चाहिए. इस प्रकार की जो फियर की बिहेवियर रहती है उसमें पल्सिटेला बहुत ही अच्छा काम करता है. पल्सिटेला ऑल्सो सपोर्ट्स यू स्ट्रांगली टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. आपको ताकत देती है, हिम्मत देती है. सो इफ यू वॉन्ट टू फेस योर फियर, पल्सिटेला इज अ एक्सलेंट रेमेडी. नेक्स्ट आता है जेल्सिमियम. जेल्सिमियम जो है वो भी एक नर्वस रेमेडी है एंड इट इज फॉर एक्यूट फियर, फियर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है जेल्सिमियम. नेक्स्ट आता है नक्स वोमिका. नक्स वोमिका जो है, कहा जाता है कि ऑल योर 90% ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सिचुएटेड इन द गट. मतलब कि आपके पेट में ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी
गट में, आपके पेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिचुएटेड है। इस प्रकार की सिचुएशन में अगर आप नक्सवामिका लेते हैं तो सारी जो भी एंजाइटी है फॉलिंग ऑन द स्टमक विल बी रिलीव एंड यू विल फील मच बेटर इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी एंड फियर एंड यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल द फियर्स एंड विन एंड कम आउट ऑफ ऑल योर फियर्स परमानेंटली इन लाइफ। इट विल गिव यू लॉट ऑफ पेशेंस। नक्सवामिका एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है विच शुड बी एडेड टू ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइटी स्टेट्स। चाहे कोई भी बीमारी हो अगर वो एंजाइटी क्रिएट करती है तो नक्सवामिका लेने से आपकी जो मतलब स्वाभाविक बोलते हैं ना कि अगर भूख लगती है तो पेट में गुड़गुड़ होता है, तो व्हाट इज दैट पेट में गुड़गुड़, इट इज एंजाइटी। तो ऐसी सिचुएशन में भी नक्सवामिका एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है। फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगी कि होम्योपैथी आपको आपके फियर को परमानेंटली क्योर करेगा। आपके फियर को आप फेस कर पाएंगे, आपकी आप स्ट्रांग बनेंगे, आप कॉन्फिडेंट बनेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो अमेजो हेल्थ के पास ये फियर के लिए एक आपका एडवांस फॉर्मुलेशन है, एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज है जो आप लेके आपके फियर को आराम से फेस कर सकते हैं, आपकी एंजाइटी को काम कर सकते हैं और ये जो डर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है उससे आप बाहर निकल सकते हैं परमानेंटली। ऐसी ही अलग अलग अधिक होम्योपैथिक की रेमेडीज की जानकारी के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट डालें। थैंक यू।